एक घंटे अस्पताल प्रांगण में पड़ा रहा शव। सर्जिकल वार्ड में भर्ती 70% जले मरीज को घबराहट हुई तो बाहर आया, अस्पताल प्रांगण में हुई मौत। एक घंटे बाद बड़ा भाई लौटा तो अस्पताल परिसर में कॉम्प्लेक्स के सामने छोटे भाई को पड़ा देखा, वार्ड बॉय तक नहीं मिला। जिला अस्पताल शिवपुरी में आग से झुलसे मरीजों के लिए अलग से वन वार्ड नहीं है। झुलसे हुए मरीजों को सर्जिकली वार्ड में भर्ती किया जा रहा है। 70% झुलसे मरीज को सर्जिकल वार्ड में घबराहट हुई तो बाहर खुले परिसर में आ गया और अचानक परिसर में गिर गया और तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। परिसर में शव एक घंटे पड़ा रहा। वार्ड से बाहर आए मरीज की किसी ने सुध नहीं ली, साथ ही दम तोड़ने के दौरान अस्पताल प्रबंधन की तरफ से ध्यान नहीं दिया गया। जानकारी के मुताबिक बुंदेल सिंह निवासी पिछवार आग से झुलस जाने की वजह से जिला अस्पताल के शिवपुरी के सर्जिकल वार्ड में भर्ती था। घबराहट होने पर पलंग से उठकर वो बाहर परिसर में आया, यहाँ अचानक उसकी हालत बिगड़ गई और वो जमीन पर गिर गया। एक घंटे बाद जब बड़ा भाई राजभान सिंह यादव आया तो देखा कि वो जमीन पर पड़ा था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि युवक ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया है। राजभान ने बुंदेल सिंह को कंबल ओढ़ाया और सर्जिकल वार्ड पहुंचकर नर्स को बताया। नर्स ने बताया कि हमारे पास वार्ड बॉय नहीं है, ट्रॉमा सेंटर चले जाओ। भागते हुए राजभान ट्रॉमा सेंटर पहुंचा, वहां से स्ट्रेचर के संग वार्ड बॉय को लेकर आया। दोनों ने बुंदेल सिंह को उठाकर स्ट्रेचर पर रखा, लेकिन ढकने के लिए चादर नहीं थी तो राजभान फिर से सर्जिकल वार्ड गया। नर्स से चादर लेकर आया। इसी बीच आधा घंटा बीत गया। जब ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंचे तो डॉक्टर ने भी उसे मृत घोषित कर दिया। घरवाले साथ में थे, बर्न का केस था, उसके घरवाले साथ में थे, घर वालों ने ध्यान नहीं दिया, वो बाहर आ गया था। सीरियस था, 70% बर्न था, तो वैसे भी सीरियस था, तो ग्वालियर के लिए रेफर भी किया हुआ था, लेकिन घर वाले ले जाने के लिए तैयार नहीं थे। तो स्टाफ ने जैसे ही उनको देखा तो तत्काल अंदर किया, लेकिन उसकी डेथ हो चुकी। सर एक और आरोप है कि वो जो बर्निंग के साथ है उनको सामान्य मरीजों के साथ में रखा जाता है। यह अलग से बर्न यूनिट नहीं है जिला चिकित्सालय में, इसलिए जो वार्ड उपलब्ध है उसी में रखा जाता है।